राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 10 मई को फैसला सुनाएगा। इसके एक दिन पहले ईडी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईडी ने कहा है कि वे केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और इससे पहले किसी नेता को प्रचार के लिए न्यायिक हिरासत में जमानत नहीं मिली। प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह हलफनामा इसलिए दिया कि जस्टिस संजीव खन्ना ने 8 मई को कहा था, हम शुक्रवार को अंतरिम जमानत पर अंतरिम आदेश सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उसी दिन फैसला किया जाएगा। इससे पहले 7 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि चुनाव 5 साल में आते हैं, ये असाधारण परिस्थिति है। अगर हम केजरीवाल को जमानत देते हैं तो हमारी शर्त रहेगी कि वे सरकार के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद है, वे चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के गढ़ दिल्ली में 25 मई और पंजाब में 1 जून को लोकसभा चुनाव होने हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।